हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 9 स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति। आज का हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में एनिमल ब्रीडिंग। इसको हम बोलते हैं पशु प्रजनन। एनिमल ब्रीडिंग क्या है, क्यों करवाई जाती है एनिमल ब्रीडिंग, क्या इसके फायदे हैं और किन किन तकनीकों से या किन किन तरीकों से हम एनिमल ब्रीडिंग करवा सकते हैं। इस चैप्टर में, इस वीडियो में आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। कंटिन्यू करते हैं, एनिमल ब्रीडिंग का मुख्य उद्देश्य या एम या लक्ष्य क्या है। एनिमल ब्रीडिंग का लक्ष्य या एम ये है, एम एट इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल्स एंड इम्प्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द प्रोड्यूस। इसका मुख्य लक्ष्य आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि एनिमल ब्रीडिंग का लक्ष्य इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल्स, जो भी एनिमल है उनकी यील्ड या फिर उत्पादकता को बढ़ाना, एंड इम्प्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द प्रोड्यूस, जो भी उनका प्रोडक्शन है, जो भी एनिमल से हमको प्रोडक्शन मिलता है उस प्रोडक्शन में या फिर उस उत्पादन में डिजायरेबल क्वालिटीज को इम्प्रूव करना है। डिजायरेबल क्वालिटीज का मतलब क्या है, उसकी उत्पादकता में हम मनचाही क्वालिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि किसी गाय के दूध पे हमको ये चाहिए कि उसमें प्रोटीन की क्वालिटी थोड़ी बढ़ के आए, या प्रोटीन की क्वालिटी ज्यादा हो और फैट कम हो, तो हम ऐसी नस्लों के बीच मेटिंग करवाएंगे जिससे उसके दूध में प्रोटीन की क्वालिटी या प्रोटीन की मात्रा बढ़ी हुई और फैट की मात्रा कम हो। तो जैसा हमको चाहिए, डिजायरेबल क्वालिटीज मीन्स व्हाट, डिजायरेबल जैसा हमारा डिजायर है, जैसी हमको चाहिए, जैसी हमको इच्छा है, वैसी क्वालिटीज को इम्प्रूव करना। एनिमल ब्रीडिंग का मुख्य लक्ष्य आपका दो दिया हुआ है, क्या लक्ष्य है, इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की यील्डिंग को बढ़ाना, एंड इम्प्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द प्रोड्यूस, डिजायरेबल क्वालिटीज प्रोडक्शन की डिजायरेबल क्वालिटीज को इम्प्रूव करना। ठीक है, नेक्स्ट है, एनिमल ब्रीडिंग दो मुख्य तरीकों से की जा सकती है। कई तरीके यहाँ पे दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, लेकिन मेन जो इसके दो तरीके हैं वो है, फर्स्ट है इनब्रीडिंग एंड सेकेंड इज आउट ब्रीडिंग। इनब्रीडिंग इज वॉट, वेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड। ब्रीडिंग जब दो सेम ब्रीड या सेम नस्लों के एनिमल्स के बीच यदि ब्रीडिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग। एंड वॉट इज आउट ब्रीडिंग, वेन क्रॉसेज बिटवीन डिफरेंट ब्रीड। यदि दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नस्लों के एनिमल्स के बीच यदि ब्रीडिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड आउट ब्रीडिंग। ओके, डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में इनब्रीडिंग को। व्हाट इज इनब्रीडिंग, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर देख चुके हैं कि जब ब्रीडिंग दो सेम ब्रीड्स के नस्लों के, मतलब सेम ब्रीड या समान नस्लों के जानवरों के बीच यदि ब्रीडिंग हो रही है, तो हम उसको अंतः प्रजनन या इनब्रीडिंग बोलते हैं। मैटिंग ऑफ मोर, इसमें और क्या हमको, क्या इसके कैरेक्टर चाहिए या क्या इसमें शर्त दी हुई है, इनब्रीडिंग में क्या क्या होना चाहिए। तो इनब्रीडिंग की शर्त मुख्य ये है, मैटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड। सेम ब्रीड तो हमको पता है, लेकिन सेम ब्रीड कहां तक, फॉर 4 to 6 जनरेशन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम ये देखें, यदि अपने हिंदू धर्म में जो शादियां होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें गोत्र देखे जाते हैं, दादी नानी दादा, मतलब लड़की के दादा, लड़के के दादा, लड़की की दादी, लड़की की दादी, या इनके गोत्र देखे जाते हैं ऊपर तक। ठीक है, मतलब कम से कम 3 पीढ़ियों तक के गोत्र देखे जाते हैं, वो सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो पुराने हमारे बुजुर्गों ने जो नियम बना के गए हैं वो बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि वो सही बनाए हैं उन्होंने। इसके बहुत सही रीजन है जो कि आप इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। तो हम वापस इस टॉपिक पे आते हैं कि सेम ब्रीड 4 to 6 जनरेशन के बीच होने चाहिए, मतलब इनके बीच में 4 to 6 जनरेशन का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई जानवर गाय है, मतलब फीमेल अगर गाय है, तो उसकी उसकी मैटिंग ऊपर या उसके पूर्वजों या एंसेस्टर जिसको बोल सकते हैं, तो उनके पूर्वजों के बीच 4 to 6 जनरेशन, मतलब जो गाय है और फीमेल जो बुल है उनके बीच 4 to 6 जनरेशन का गैप नहीं होना चाहिए। किसमें, इनब्रीडिंग में। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, अंतः प्रजनन या इनब्रीडिंग में क्या दो शर्तें हैं, दो शर्त ये है या दो कंडीशन ये है कि इनब्रीडिंग में
सेम ब्रीडिंग होनी चाहिए, सॉरी दोनों के नस्ल या सेम ब्रिड होने चाहिए और दोनों के बीच 4 to 6 जनरेशन का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड जो इसकी शर्त है वो ये है, द ब्रीडिंग स्ट्रेटजी इज अलाउ इज एज फॉलो। कौन कौन सी स्ट्रेटजी इसमें दी गई है, सुपीरियर मेल्स एंड सुपीरियर फीमेल्स ऑफ द सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाइड एंड मेटेड इन पेयर। हमको सेम ब्रीड मिल गई और दोनों के बीच 4 to 6 जनरेशन का गैप नहीं है, ये दो कंडीशन मिल गई। अब इसमें हम ये देखते हैं कि सुपीरियर मेल होना चाहिए एंड सुपीरियर फीमेल होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हम किसी भी फीमेल और किसी भी मेल को निकाल लेंगे, जब सेम ब्रीडिंग मिल रही है या सेम नस्ल मिल रही है तो उस सेम नस्ल में भी हम ये प्रिफर करेंगे कि मेल में सुपीरियर मेल होना चाहिए और फीमेल में भी सुपीरियर फीमेल होनी चाहिए, दोनों उच्च गुणवत्ता वाले मतलब हाई क्वालिटीज वाले दोनों होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सुपीरियर फीमेल क्यों बोल रहे हैं या सुपीरियर फीमेल का मतलब क्या है। सुपीरियर फीमेल इन काउ एंड बफेलो, अगर काउ एंड बफेलो में हम ये देखें कि सुपीरियर फीमेल क्या है, तो काउ एंड बफेलो में सुपीरियर फीमेल दैट प्रोड्यूसेस मोर मिल्क पर लैक्टेशन, एक बार में जो बहुत अच्छी मात्रा में मिल्क का प्रोडक्शन करे, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर फीमेल इन काउ एंड बफेलो। एंड सुपीरियर मेल क्या है, यहाँ पे सुपीरियर मेल इज द बुल विच गिव्स राइज टू सुपीरियर प्रोजेनी, जिसके द्वारा अच्छी प्रोजेनी या सुपीरियर प्रोजेनी का उत्पादन हो सके। तो इनब्रीडिंग में हमारे पास तीन शर्तें यहां तक हम देख चुके हैं। इनब्रीडिंग में फर्स्ट हमारी कंडीशन ये है कि दोनों सेम ब्रिड के एनिमल्स होने चाहिए, सेकेंड कंडीशन हमारी ये है कि उन दोनों में इंडिविजुअल जो है उन दोनों में 4 to 6 जनरेशन का गैप नहीं होना चाहिए, एंड थर्ड कंडीशन इज दैट सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल होने चाहिए, सेम नस्ल के एंड सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल होने चाहिए। व्हाट इज सुपीरियर मेल, सुपीरियर फीमेल इन काउ एंड बफेलो इज दैट प्रोड्यूसेस मोर मिल्क पर लैक्टेशन, एंड व्हाट इज सुपीरियर मेल इज द बुल विच गिव्स राइज टू सुपीरियर प्रोजेनी, जो कि एक अच्छी ऑफस्प्रिंग या अच्छा प्रोजेनी उत्पन्न कर सके। नेक्स्ट इनब्रीडिंग डिप्रेशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, इनब्रीडिंग के अंदर ये दिया हुआ है अंतः प्रजनन के लिए, इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। इनब्रीडिंग अगर लगातार कंटिन्यूअसली हमने बार बार इनब्रीडिंग करवाई, यदि बार बार 4 to 6 जनरेशन के बीच में या विदाउट एनी गैप हमने बार बार इनब्रीडिंग करवाया, अंतः प्रजनन करवाया, तो होमोजाइगोसिटी को ये बढ़ावा देती है, जो कि आपके नीट का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। होमोजाइगोसिटी क्या है इसके बारे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, इनब्रीडिंग इज नेसेसरी इफ वी वांट टू इवॉल्व अ प्योर लाइन इन एनी एनिमल, यदि हमको किसी भी एनिमल का प्योर लाइन या शुद्ध वंशक्रम, जैसे कि मेंडल ने करवाया था, ठीक है, मेंडल ने जो पी प्लांट में, मटर के प्लांट में सबसे पहले उसने क्या किया था, प्योर लाइन वंशक्रम या शुद्ध वंशक्रम उसने प्राप्त किया, बार बार ऑटोगैमी करवाई और ऑटोगैमी से उसने बार बार करवा के होमोजाइगोसिटी उत्पन्न किया और होमोजाइगोसिटी के बाद प्योर लाइन उसको मटर के पौधे प्राप्त हुए, ठीक है। तो यदि हमको किसी भी एनिमल में प्योर लाइन उसका बिल्कुल शुद्ध वंशक्रम प्राप्त करना हो बिना किसी मिलावट के, तो हम क्या करवाना चाहिए, हमको इनब्रीडिंग करवानी चाहिए। इनब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, इनब्रीडिंग उन सभी हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को एक्सपोज करती है जो कि सिलेक्शन के द्वारा एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है आपकी एनसीईआरटी का ये, ठीक है। कंटिन्यूअसली यदि इनब्रीडिंग करवाई जाए, स्पेशली क्लोज्ड इनब्रीडिंग यूजुअली रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी। इसीलिए जो ऊपर मैंने डिस्कस किया कि गोत्र का मिलान क्यों किया जाता है, यदि क्लोजली बार बार सेम ब्रीड के, यदि हम एनिमल्स में या फिर हम इंसानों में भी ये देखें कि यदि बार बार बिना गोत्र मिलान के कंटिन्यूसली बहुत ही पास के रिश्तों में यदि शादी की जाए, तो उनसे होने वाले जो बच्चे हैं या होने वाली जो भी
प्रोजेनी है या ऑफस्प्रिंग है उनकी फर्टिलिटी अफेक्टेड होती है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है या वो बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले बच्चे पैदा नहीं होते हैं। इसीलिए क्या कराना चाहिए, कंटिन्यूअसली इनब्रीडिंग नहीं करवानी चाहिए और बहुत क्लोजली रिलेटेड इनब्रीडिंग नहीं करवानी चाहिए लगातार बार बार। दिस इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यदि इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है तो इसको कैसे दूर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका नीट का है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां आपको ये समझ आना चाहिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है यदि कंटिन्यूअसली इनब्रीडिंग करवाई जा रही है। स्पेशली क्लोज्ड इनब्रीडिंग यूजुअली रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी। यदि इनब्रीडिंग हो रही है बार 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 तो इससे फर्टिलिटी रिड्यूस होती है और प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी का कम होना ही इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो इनब्रीडिंग से क्या होता है, इनब्रीडिंग इंक्रीज करती है होमोजाइगोसिटी को और इनब्रीडिंग से ही इनब्रीडिंग बार बार होने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। व्हेनेवर दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम, यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है या इनब्रीडिंग डिप्रेशन की प्रॉब्लम अगर हो रही है तो क्या करते हैं, सेलेक्टेड एनिमल्स ऑफ द ब्रीडिंग पॉपुलेशन शुड बी मेटेड विद अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड। तो क्या करवाया जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने के बाद अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी में कमी आ रही है, तो उसी नस्ल के या सेम ब्रीड के अनरिलेटेड मेल या फीमेल सुपीरियर, ओके, सुपीरियर फीमेल और मेल से हम क्या करवाते हैं, मेटिंग करवाते हैं, जिससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आउटब्रीडिंग एंड आउटक्रॉस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।